हे गाइस, हाउ यू ऑल, कैसे हो आप लोग? होप सो सब सही होंगे। तो काफ़ी टाइम बाद मैं ऐसे वीडियो बना रहा हूँ, और मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ जो SBI में मेरे साथ हुआ था। मैं तुम लोगों के साथ कहा था कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे क्या हुआ था, किस चीज़ की वजह से मैं डिप्रेशन में गया था, ऐसी क्या चीज़ हुई थी। मैं लोगों की वजह से, पहली चीज़ जो तुम सोच रहे थे कि गर्लफ्रेंड छोड़ गई होगी, ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इतनी जल्दी इन चीज़ों में पढ़ के ना टेंशन नहीं लेता, और ना मैं इन चीज़ों की वजह से डिप्रेशन में जाता हूँ। मेरे साथ अलग ही चीज़ हुई थी, वो मैं तो तुम्हारे साथ आज शेयर करना चाहता हूँ क्या हुआ था। पहले चीज़, जब तुम SBI ज्वाइन करते हो, ठीक है, तुम्हारे अंदर आता है कि यार तुम एक अच्छे से बैंक में जा रहे हो, सब कुछ है, नाम है, सब कुछ है, ठीक है, ब्रांड नेम है। तो जब तुम अंदर जाते हो ना, तब तुम्हें असलियत पता लगती है। मैं सबकी बात नहीं करूँगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हें इतना गिरा देते हैं, तुम्हारा मतलब करेक्टर इतना गिरा देते हैं सीनियर्स के सामने, तुम्हें एक टाइम पर लगता है यार शायद तुम में ही कोई खोट है। सबसे पहले मैं गया, एंट्री ली SBI में, उसमें क्या हुआ, सब अच्छा चल रहा था। तो दो वहाँ पर टीम्स डिवाइड होती हैं, जैसे चार टीमें होती हैं। तो मेरे को पहले FI टीम मिल गई थी, ठीक है, जिसमें मुझे स्कैनिंग, मैंने एक 1 मंथ की वीडियो भी बनाई थी तुम्हारे साथ कि 1 मंथ एक्सपीरियंस कैसा था, बहुत अच्छा था सब कुछ, ठीक है। मैडमों से मेरी बननी शुरू हो गई थी, और मेरे को यहाँ सेक्टर 68 में बुला लिया था। देन सडनली क्या हुआ, मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ, वहाँ पर ना होता ना कि अंदर से खुंदक दूसरी टीम को कि इसने टीम ने टॉप कर लिया, उसमें मैं भी था इंक्लूड जिस टीम ने टॉप किया था, ठीक है। तो हमने काफ़ी ज़्यादा स्कैनिंग की थी, जिसकी वजह से आगे जल्दी अकाउंट्स ओपन हुए। तो दूसरी टीम सड़ने लग गई, ठीक है, उन्होंने कहने लग गई कि इसको अपनी टीम में लो, और मैं उनकी टीम में जाना नहीं चाहता था। वो थी लोन की टीम, ठीक है। लोन की टीम में क्या हुआ, फिर उसके बाद वहाँ से ड्रामे शुरू हो गए। वहाँ से एक स्टड टाइप का लड़का, मतलब 35 साल का अंकल टाइप का, लड़का नहीं कहूँगा सॉरी, अंकल टाइप का आता है स्टड मेरे सामने, कहता चल भाई मेरी टीम में आ। मैं इग्नोर किया, मैं कहा चल इग्नोर मार, इसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दे, छोड़। इन लोगों को पता लग गया कि मैं यूट्यूब पे हूँ, ठीक है, क्योंकि तुम एक बंदे को ऑफिस में बताओगे ना तो ऑलरेडी सब में फैल जाती है, तो वो वहाँ का कल्चर था, तो वो फैल गई, ठीक है भाई। कुछ जेलसी होते हैं, ठीक है, जेलसी लोग अंदर ऐसी भरी होती है कि वो लोग आ गए और मेरे को कभी इधर लग गया चक्कर, कभी उधर लग गया, मेरे को कभी RM ने बुला लिया, कभी किसी ने कि तुमने SBI पे क्या वीडियो बनाई, ये है वो है, मेरे को पहली वार्निंग मिल गई, ठीक है। उधर से टीम सड़ना शुरू हो गई, एक दूसरी लोन वाली। तो उधर से एक बंदा आया, वो कहता हाँ भी मेरी टीम में आ। मैं चला गया, मैं चल कोई नहीं। बंदे का मजाक ऐसा था, घटिया गिरा पड़ा, मतलब तुम लगा नहीं सकते, वो स्केल 2 मैनेजर होगा, ठीक है, ऐसा घटिया मजाक कर रहा था वो। तो हद ज़्यादा बढ़ गई थी, उसने ना मेरे को, मैं जैसा तुम्हें पता था पेपर चल रहे हैं, मेरे एग्ज़ाम्स थे IBPS के सारे, तो मैं छुट्टियां ले लेता था और इजीली मिल भी जाती थी। बट उनको लगा कि ये छुट्टियां ऐसे कैसे, मतलब लड़कियों को मिलने के लिए ले रहा होगा, या ये आवारागर्दी कर रहा होगा लड़कियों के साथ, या ये फिल्में देखने जाता होगा लड़कियों के साथ, इसलिए छुट्टी ले रहा है, क्योंकि उनके दिमाग में वही चीज़ भरी थी। वही चीज़ हुई मेरे साथ, ठीक है। तो मैंने एक दिन, हद ज़्यादा हो गई, एक दिन हद इतनी हो गई कि मैंने कहा भाई अब बहुत है। एक दिन वो आ गया, कहता यहाँ, जैसे स्कूल में नहीं हम काम करते वैसे था, कहता यहाँ से उठ के वहाँ जा। मैंने कहा ये मतलब क्या है, कहता मेरे पास वहाँ सामने बैठ के काम करेगा। मैंने, मेरा मेरी सटक गई, मैंने कहा हाँ भाई मैं पहली चीज़ स्कूल में काम नहीं कर रहा हूँ, कहता मैं ना सीनियर हूँ तेरा, ठीक है। वहाँ से अपनी लड़ाई शुरू हुई थी, मैं वहाँ से बताता हूँ तुम्हें। तो हमारी लड़ाई शुरू हो गई, मैंने कहा तू होता कौन है, मैं शुरू हो गया फिर, क्योंकि एक लिमिट होती है, लिमिट जब क्रॉस हो जाए ना फिर नहीं, मैं वो नहीं, से सीधी बात है, सुननी वाली बात नहीं है, मेरा हो गया। मैं कहा हाँ तू होता कौन है, कहता तेरे बोलने की तमीज़ नहीं है, बड़ों से कैसे बात करते, सीनियर से कैसे बात करते हैं। मैं कहा तमीज़ तूने सिखाई नहीं है, मैं कहा जैसा तू हिसाब से हरकतें कर रहा है ना उस हिसाब से काम चल रहा है। तो अपनी इतनी ज़्यादा लड़ाई हो गई, उसने वो ना HR के पास चला गया, मेरे को HR ने बुलाया, और ये विद प्रूफ, मैं सारी बातें कर रहा हूँ, विद प्रूफ है मेरे पास, ठीक है। तो HR ने बुलाया, HR ने मेरे को चिल्लाना शुरू कर दिया, तो मैं अक्ल नहीं है, ये नहीं है, वो है नहीं है। मैंने कहा, मैंने HR से एक चीज़ पूछी, मैंने कहा आप, वो परमानेंट है इसलिए तुम बात कर रहे हो, ठीक है, आप मेरे से ऐसे बात नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है, नो, ये ऐसी ऐसी बात है, तुम ऐसे बात नहीं करोगे मेरे से। मेरी लड़ाई होगी, मैंने ना कंप्लेंट डाल दी RM को कि ऐसी ऐसी बात है भाई, ये मेरा फिर मैंने कहा मेरा करेक्टर एसिनेशन हो रहा है, ये चीज़ नहीं चलेगी,
मैंने मेल डाली, सब कुछ किया, मैं कहा मेरा ट्रांसफ़र वहाँ किया जाए सरहिंद में। तो किसी तरह होके वहाँ हो गया ट्रांसफ़र। अब एक बीच में मैंने मिस कर दिया पॉइंट, एक पीओ या एक क्लर्क क्यों जाता है एसबीआई में कि वहाँ सैलरी अच्छी होगी, सब कुछ होगा। बट तुम्हें एक बात बताता हूँ, मैं ना काम कर रहा था बैठा हुआ, वहाँ से एक मैडम थी, ठीक है, वो मैडम ने पता क्या बात करी, मैं नाम नहीं लूँगा या कुछ ऐसी बात नहीं करूँगा, वो मैडम ने पता क्या कहा मेरे कानों में पड़ी वो बात, उड़ती 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 मेरे पीछे बैठे थे। उसने ये कहा कि वो ब्रांच मैनेजर से बात कर रही थी, उसने ये कहा कि सर आपके पास पीओ या अप्रेंटिस तो होगा, उसको निचोड़ो अच्छे से, उनको धमकियां दो, अगर तुमने ये काम नहीं किया तुम्हारी फाइल ख़राब कर देंगे। मतलब होता है ना, इनके हाथ में पावर होती है, सीनियर्स के हाथ में, जो लेटेस्ट बंदे जा रहे हैं ना, जिनको पता है कि मेहनत करके कैसे हम लोग एक मेहनत कर रहे हैं और यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, तो उनको पता है कि कैसे डील करना है कस्टमर्स के साथ, कैसे डील करना है सीनियर्स के साथ, कैसे डील करना है जूनियर्स के साथ। बट जो पुराने सीनियर्स हैं ना, बहुत, सब नहीं कुछ, वो बहुत बदतमीज़ थे। उन्होंने कह दिया कि हाँ भी उसको पीओ को लपेटो, अगर पीओ नहीं है अप्रेंटिस है, सॉरी हाथ थक गया मेरा, तो अगर अप्रेंटिस है तो अप्रेंटिस को लपेटो, पर लपेटो अब अच्छे से। वो वहाँ पर बात आ गई, ठीक है। उसके बाद वो बात मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता था, मतलब ये सोचो तुम कैसी कैसी सोच वाले लोग थे कि पीओ की फाइल ख़राब कर देंगे। मैं कहा अच्छा। तो ना उसके बाद ये बात हुई, मैं सरहिंद चला गया, सरहिंद में इन्होंने कॉल करके कह दिया था कि इसके साथ ऐसा ऐसा डील करो। भाई मैं पहले दिन गया, मेरे पे रोब झाड़ना शुरू कर दिया, मैं कहा सर ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है, मेरा जो टाइम है 5 बजे का, मैं 5 बजे तक ही जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। बस मैं चला गया, और फिर मैंने एक जगह ऐसी जगह बात कर ली थी जहाँ से जीएम को कॉल पहुँच गया था। जीएम को कॉल पहुँचने के बाद इनका बैंड बज गई थी, ठीक है, ये हुआ था। इसके बाद ये सुधर गए। सुधर कैसे गए? क्योंकि मैंने ऐसी जगह से कॉल करवाई, फिर मैं कहा अब नहीं ये सुधरेंगे ना तो मुश्किल हो जाएगा, कि मैं छोड़ने वाला था फिर, बट तुम्हारे सामने मैंने अगस्त तक निकाल लिया किसी तरह, भाई कसम से कह रहा हूँ। फिर उसके बाद जो मैंने जॉब की है ना उसकी, एसबीआई की, आय हाय हाय, मतलब बहुत मज़े से किया है। मैंने टेंशन नहीं ली और ना टेंशन लेने दी इन लोगों ने, उन लोगों को पता लग गया था भाई ऐसी ऐसी बात है, अब नहीं इतना परेशान ना करें। वहाँ से मेरा डिप्रेशन का जो है ना शुरू हुआ था जब मैं सेक्टर 68 में था, आरबीओ में। आर्मी में इतने वेले बंदे हैं ना, कसम से कह रहा हूँ, मतलब उनको ना चुगलियाँ पता है क्या करनी है, सब कुछ पता है। ब्रांच में ये चीज़ नहीं है, ब्रांच में बंदा बिजी रहता है, ब्रांच में तुम्हारे पास कस्टमर हैंडलिंग रहती है, ठीक है, वो तुम्हें करना पड़ता है, तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं रहता किसी चीज़ का। तो ब्रांच का मैं कहूँगा, अगर तुमने करनी है ना अप्रेंटिस तो ब्रांच में करना, आरबीओ में कभी मत जाना, वहाँ पर बहुत वेले लोग हैं और तुम सीख भी नहीं पाओगे कुछ कस्टमर डीलिंग, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा ब्रांच में करना अगर करना हुआ तुम्हें। तो ये मेरा डिप्रेशन का फेज़ था जिसकी वजह से मैं पागल हो गया था, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा देखा, और क्या बताऊँ कैसे कैसे मैंने हैंडल किया इस चीज़ को, बट शुक्र है सब ख़त्म हुआ ये। अब मेरी शांति से मैं जी रहा हूँ और शांति से जॉब कर रहा हूँ, बहुत अच्छी जॉब लगी हुई है, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। बस यही मुझे बात करनी थी तुम लोगों से, और कमेंट्स में बता देना, और कोई सवाल होगा तो मैं ज़रूर उसका उस पर वीडियो बना के तुम्हारे लिए डाल दूंगा कि कैसे कैसे, और अगर तुम्हें लगे कुछ, ठीक है, और गालियाँ देने वालों को मैं इग्नोर ही करूँगा। तो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।